17वां अध्याय काली के कालियदह में आने की कथा तथा भगवान का व्रजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालीय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे उसे भी खा लेता। परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालीय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालीय नाग ने जब देखा कि गरुड़ अपने वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वो अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वो अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था, उसकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। ताक्षर्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालीय नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालीय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालीय नाग घायल हो गया। वो घबरा कर वहां से भगा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वो इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन शुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ, वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएगा तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मैं ये सत्य सत्य कहता हूं। परीक्षित महर्षि सौभरी के इस शाप की बात काली नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वो गरुड़ के भय से वहां रहने लगा और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला गंध वस्त्र महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब के सब व्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया, वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित यशोदा रानी रोहिणी जी नंद बाबा गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए, उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे, वे कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत वृक्ष गाय बैल बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान में दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक पड़ती थी।
राजेंद्र, व्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात में व्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए व्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना चाहती है। तुम में सब सामर्थ है, हम तुम्हारे सुहृदय हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभो, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए।